आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तपती हुई गाड़ी में बैठने का डॉक्टरी उपाय क्या है। जी हाँ, जब आप एक तपती हुई गाड़ी में बैठते हैं तो वो किसी भट्टी से कम नहीं होती है। ऐसे में उसमें बैठना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है और शरीर में कई प्रकार की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी से जानते हैं कि किस तरीके से अपने आप को बचाना चाहिए। नमस्कार व्यूअर्स, गर्मियों का जो सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और गर्मी में आपकी जो गाड़ी है वो भी एक तपती हुई भट्टी के रूप में तब्दील हो जाती है। ऐसे में आज हम गाड़ी को ठंडा करने का डॉक्टरी उपाय खोजने के लिए डॉक्टर बीपी त्यागी के पास आए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। जिस तरीके से गर्मी में गाड़ी खड़ी होती है वो एक तपती हुई भट्टी का रूप ले लेती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और हमारे ह्यूमन बॉडी पे, शरीर पे भी उसके क्या साइड इफेक्ट आप देखते हैं? देखिए, जैसे ये धूप में गाड़ी खड़ी है, हम अगर गाड़ी में एंटर करते हैं, आप भी एंटर हुए हैं, तो हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पे आप देखेंगे कि हम एसी इमीडिएटली ऑन ना करें, और एसी जब हम इमीडिएटली ऑन नहीं करेंगे, पहले हम सारे शीशे डाउन करेंगे। वो गाड़ी के सारे शीशे डाउन हो जाते हैं तो बाहर की हवा आने लगती है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो एसी वाली ये एयर है, इसको हम जो यू टर्न वाली एयर है उसको ना दबाएं, जो बाहर वाली एयर है उसको लें। तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है और जो ये वाला है वो हम अब अपने सांस में ले रहे हैं। अगर हम ये लेंगे, जो हमारी अंदर से बर्न होके एयर आ रही है, उसमें जो गैसेज होती हैं वो एसीटल्डाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, NO2 है, SO2 है, और जितने भी केमिकल्स निकलते हैं वो सब पॉइजनस है। जो पॉइजनस केमिकल होते हैं वो नाक के रास्ते से सांस के रास्ते में जाके आखिरी यूनिट तक जाते हैं, जिनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और इसको बीमारी को हम बोलते हैं ब्रोंकियोलाइटिस। हमें पहले ब्रोंकियोलाइटिस होगा, फिर उसके बाद ब्रोंकाइटिस होगा और सांस लेने में दिक्कत आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जब वो बहुत सारी केमिकल अंदर जाएं तो हमें तुरंत हाइपोक्सिया हो जाए। आपने एक दो लोगों को ऐसा सुना होगा कि वो गाड़ी में बैठे और उनको हार्ट अटैक आ गया। अभी एक दो स्टोरी ऐसी थी, उसका ये रीजन होता है सिंपल कि जब हार्ट अटैक होता है वो उसी के कारण होता है, जितने केमिकल हमारे अंदर गए, ऑक्सीजन पूरी नहीं गई तो हार्ट पर असर डालती है और हार्ट अटैक कर देती है। तो इसलिए एसी को इमिडिएटली ऑन ना करें, बाहर वाली एयर पहले लें, शीशे सारे उतार दें, एनवायरनमेंट की एयर लें और धीमे धीमे उसको ब्रीथ करें। और एसी जब ऑन हो जाए, जब टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाए, तब हमें शीशों को ऊपर चढ़ाना चाहिए, और अपनी गाड़ी का नॉर्मल टेम्परेचर जब मेंटेन हो जाए तो तब हमें एसी की अंदर वाली एयर लेनी चाहिए, जो यू वाला जो पार्ट है उसको तब लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, लॉन्ग ड्राइव पे कई लोग जाते हैं और काफी लंबा वीकेंड बिताने के लिए भी गाड़ी को चुनते हैं, ऐसे में उनके लिए आप क्या एक टिप्स और ट्रिक देना चाहेंगे? उनके लिए मैं सिंपल टिप दूंगा कि अगर लॉन्ग ड्राइव के लिए जाना है तो आपको अपने पूरे इंजन को चेक करना है। इंजन में कूलेंट होना चाहिए, इंजन की एक सर्विस जरूर होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके टायर वगैरह ठीक होने चाहिए, स्टफनी ठीक होना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है कि इंजन अगर आपका ठीक नहीं है या उसमें कूलेंट नहीं है तो वो हीट होके, आजकल देखा होगा कितनी फायर लग रही है गाड़ी में, इमीडिएटली उसको वो फायर हो जाता है। मेडिसिन कौन सी हम रख सकते हैं? मेडिसिन हमें सारा फर्स्ट एड लेके जाना चाहिए, हमें जैसे उल्टी दस्त की दवाई लेके जाना चाहिए, हमें अपने पेट की दवाई लेकर जाना चाहिए, दर्द की दवाई लेके जाना चाहिए, और डिस्प्रिन जरूर लेके जाना चाहिए जो खून को पतला करती है, अगर कोई हार्ट वाली प्रॉब्लम होती है तो ये जो कॉमन दवाइयां हैं, एसिडिटी वाली और ये सब दवाइयां, एक फर्स्ट एड किट बना के हमें गाड़ी में रखना चाहिए, और उसको हमें टाइम टू टाइम चेक कर लेना चाहिए कि उनमें कोई एक्सपायरी मेडिसिन तो नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी जो गाड़ी है उसको सही इस्तेमाल उसका कर सकते हैं, तपती हुई भट्टी से आप बच सकते हैं और अपनी ट्रिप को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। गाजियाबाद से विशाल झा, न्यूज 18 लोकल।